नमस्कार, चमत्कारी टोटके चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दीपक जलाने के नियम और फायदे। दोस्तों, इस चराचर जगत में जीवन जीने के लिए प्रकाश चाहिए, इसीलिए पूजा पाठ से पहले ज्योति जलाकर प्रार्थना की जाती है कि कार्य समाप्ति तक स्थिर रहकर साक्षी रहें। बिना दीपक जलाए पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। हर व्यक्ति अपने पूजा घर में देवी देवताओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने के सही तरीके के बारे में? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूजा के समय देवताओं के सम्मुख दीपक अपने तत्वों के आधार पर जलाए जाते हैं। देवी माँ भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक तथा मौली की बाती उत्तम मानी गई है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वहीं शत्रु का दमन करने के लिए सरसों और चमेली के तेल के दीपक सर्वोत्तम माने गए हैं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा 1 या 7 बत्तियों से करने के विशेष महत्व है। वहीं माता भगवती को 9 बत्तियों का दीपक अर्पित करना सर्वोत्तम कहा गया है। हनुमान जी एवं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए 5 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान है। अनुष्ठान में सोने चांदी कांसे तांबे लोहे के दीपक प्रज्वलित करने का महत्व अनूठा है। दीपक जलाते समय उसके नीचे सप्त धान यानी कि 7 प्रकार का अनाज रखने से सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूं रखे तो धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखे तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि उसके नीचे काले तिल या उड़द रखे तो स्वयं माँ काली, भैरव, शनि, 10 दीपकाल, क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को रखना चाहिए। साथ में जलते दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रखें तो जीवन अनेक प्रकार की सुगंधियों से भर उठेगा। पूजा पाठ के दौरान यदि आप भगवान के समक्ष दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि यदि आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हमेशा भगवान की दाहिने यानी कि सीधे हाथ की तरफ रखें। वहीं यदि आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे भगवान के बाएं यानी कि उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि पूजा घर में दीपक पश्चिम दिशा में ना हो। इसके अलावा उत्तर दिशा में भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दीपक की लौ उत्तर दिशा में कर सकते हैं। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन का लाभ होता है। वहीं पूर्व दिशा में दीपक की लौ रखने से आयु में वृद्धि होती है। मिट्टी या आटे का दीपक एक बार जलाकर अशुद्ध हो जाता है, उसे दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दीपक पीपल एवं क्षेत्रफाल के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि आप पूजा घर में देवी देवताओं के समक्ष तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके लिए हमेशा लाल कलावे की बाती का उपयोग करें। वहीं आप अगर घी का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमेशा रुई की बाती का ही उपयोग करें। पूजा करते समय सबसे पहले दीपक भगवान के चरणों में 4 बार घुमाएं, उसके बाद नाभि के सामने 2 बार, मुख की तरफ 1 बार और फिर सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाएं। इस तरह कुल मिलाकर 14 बार दीपक को घुमाना चाहिए। ध्यान रखें कि आरती करने के बाद दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें, उसे हमेशा थाली पर या फिर किसी ऊंचे स्थान पर ही रखें। आमतौर पर 2 तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे और पितरों के लिए ही लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती को फूल बाती कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के लिए मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, इससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन ज्यादातर लोग तुलसी में ऐसे ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन तुलसी में दीपक करते हुए उसे चावल का आसन देना चाहिए और रोज शाम को दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। अगर आप भी केले के वृक्ष में दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक हमेशा या तो सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले जलाना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना
खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में खुशहाली आती है। मान्यता है कि यदि नियमित रूप से लगातार 41 दिनों तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है और नियमित रूप से दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।